जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली छोटी सी लेकिन इफेक्टिव वीडियो देख ली होगी। आज कौन सा दिन है? थर्ड बुक करने का दिन है और अब हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज। देखो, अकाउंटिंग रेशियो जो है ना, वो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन आप भी निकालेंगे, इसी वीडियो में निकालेंगे। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली है क्या? सबसे पहले फॉर्मूलेस। अब इतने सारे फॉर्मूलेस क्या याद करने हैं? अगर आपने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि फॉर्मूलेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नाम में ही फॉर्मूला है। जब आपको अकाउंटिंग रेशियो का मतलब पता होता है, जिस रेशियो को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका मीनिंग आपको पता होता है, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद हो जाता है, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, इस वीडियो में जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं सारी रेशियोज के, इंक्लूडिंग न्यू रेशियोज, मैं आपको न्यू रेशियोज के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि जब भी कुछ नया आता है ना, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप फटाफट से शुरू करते हैं। थ्योरी के लिए आपको पता है अलग से, थ्योरी की पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ, थ्योरी का वन शॉट मैं दे चुका हूँ। और हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे कब? कल, फटाफट से रिवाइज करेंगे। अभी प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। देखो सर, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। आपको पता है चार टाइप की रेशियोज हैं, बिल्कुल सही। सबसे पहले लिक्विडिटी क्या बताती है? कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब डेट रिपेमेंट कैपेसिटी, कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के कैपेबल है, क्या उतने एसेट्स, करंट एसेट्स कंपनी के पास है या नहीं। लिक्विडिटी में दो रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला सबको पता है इसका, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। सर, इस रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले सर, सिंपल सी बात है कि जब भी आप क्या कर रहे होगे सर, जब भी आप इन्वेंट्री को इंक्लूड कर रहे हो, किसको? इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री क्योंकि आपका करंट एसेट है, इन्वेंट्री में से सर आपको क्या करना है, लूज टूल्स, क्या करना है, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। दो चीजें हमने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा कि इन्वेंट्री आपकी छह टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को आपको एक्सक्लूड करना है जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो। ये बात समझ में आती है? अच्छा, ठीक है। देन डेटर्स को आपको नेट वैल्यू पे लेना है। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, हमको वो वाली वैल्यू लेनी है जब मुझे करंट रेशियो निकालना है। और ये जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ करंट रेशियो और क्विक रेशियो में ही है, और किसी में नहीं है। नहीं, और किसी रेशियो में आपको डेटर को नेट नहीं करना होता, डेटर हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे आते हैं। प्रोविजन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नेट वैल्यू, और प्रोविजन से पहले जो वैल्यू होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसकी आइडियल रेशियो 2:1 है। अब सर, जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। करंट रेशियो जितनी ज़्यादा उतनी बढ़िया, क्योंकि सर क्या है, क्या करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट ज़्यादा होने चाहिए, करंट लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यार आप अपने एसेट्स को मैनेज नहीं कर रहे हो। आपके पास करंट एसेट हैं लेकिन आप उनका यूज नहीं कर रहे हो, उनको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या तो आप अपनी इन्वेंट्री बेच नहीं पा रहे हो, या आपको डेटर से पैसा नहीं मिल रहा, जो भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद वेन एवर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इज आज कैलकुलेट करंट रेशियो, मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक आधा क्वेश्चन ऐसा था तो मैंने वो पॉइंट यहाँ पे डाल दिया कि सर अगर आपसे पूछेगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो तो आपको करंट रेशियो निकालनी है, ठीक है। क्विक रेशियो में क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसमें बस एक ही बात है कि जो क्विक एसेट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो करंट एसेट का यूज करके निकलते हैं। आपने करंट एसेट निकाल लिया, हाँ, इसमें से मुझे क्या करना है सर, इसमें से मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, अच्छा, इसमें से मुझे एडवांस टैक्स माइनस करना है, और मुझे इन्वेंट्री माइनस करनी है, जो इन्वेंट्री आपने करंट एसेट में इंक्लूड कर रखी है, हाँ। और इसकी आइडियल रेशियो 1:1 है। मैं फटाफट से आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो, आपको बोला कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, करंट रेशियो की बात करते हैं। तो करंट एसेट निकालो। अब करंट एसेट आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, कैश एंड कैश करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, यस सर, और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो 70,000 रुपीज़ आएगा वो मैं अपने करंट एसेट में इंक्लूड करूंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही, करंट एसेट है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, लूज टूल्स नहीं आएंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं आएंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट एसेट में तो आएंगे, और कुछ नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब 10,000 प्लस 70,000, 20,000,
80,000, 60,000 और 10,000, कितना? 2,50,000। सर ये आपका कितना आ गया? 2,50,000 आपका करंट एसेट आ गया। बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करते हैं किसकी सर? करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी की मैं बात करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका सर? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी पढ़ाया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब करंट लाइबिलिटी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तीन ही है। हाँ जी ये तीन ही है, 25, 5 और 70, 1,00,000 रुपीज करंट लाइबिलिटी, 1,00,000 रुपीज, बिल्कुल सही। तो आपका करंट रेशियो आ गया ना इजीली, करंट रेशियो इज 2,50,000 अपॉन में 1,00,000, हो गया, बिल्कुल हो गया। कितना आ गया ये? 2.5:1, परफेक्ट। सर जब मुझे क्विक रेशियो निकालनी है तो बहुत ही सिंपल सा मुझे एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? देखो मुझे निकालना है क्विक एसेट्स, आपके करंट एसेट है 2,50,000, हाँ इसमें से मुझे क्या क्या माइनस करना है ध्यान से देखो सर। सबसे पहले अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है क्या 10,000 रुपये के, हटाओ, हटा दिए सर, ये लो हटा दिए। उसके बाद एडवांस टैक्स नहीं है। अब इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री आपने करंट एसेट में इंक्लूड कर रखी है कितनी? 140, तो ये भी हटा दो। एडवांस टैक्स कुछ नहीं है, नहीं है, 250 माइनस 150 1,00,000 रुपये। करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी है? 1,00,000 रुपये। तो क्विक रेशियो आपकी आ गई 1:1, सिंपल, बहुत ही आसान है रे। आप फटाफट से नेक्स्ट देखो, और ऐसे नहीं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकते, बिल्कुल आ सकते। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। 1,80,000 है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है सर? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का मतलब करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। आपको लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 3,00,000 रुपए के, इन्वेंट्री गिवन है। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे निकालना है, मान लो करंट रेशियो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। अब करंट एसेट आपको चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। अब करंट एसेट के लिए सर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट आते हैं, उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस होती है। तो अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी तो मेरे पास करंट एसेट भी आ जाएंगे। हाँ करंट लाइबिलिटी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से, हाँ जी बिल्कुल। देखो क्यों, टोटल लाइबिलिटी आपकी है 3,90,000 की। हाँ इसमें से आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब जो नॉन करंट लाइबिलिटी है सर 3,00,000 रुपये, वो आपकी माइनस हो गई। तो मतलब 90,000 इज करंट लाइबिलिटी, येस और नो? हाँ सर मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ चुकी है। तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? CA माइनस CL, राइट। तो अगर मुझे CA निकालना है तो मैं क्या करूंगा? CL को वहां भेज दूंगा, मतलब वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी को प्लस कर देंगे। तो 1,80,000 प्लस 90,000, तो मेरा करंट एसेट हो जाएगा कितना? 2,70,000। दिस इज माई करंट एसेट। हाँ मैं आसानी से क्या करंट रेशियो निकाल सकता हूँ? यू निकाल सकता हूँ। देखो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट कितना? 2,70,000। ओ यस। करंट लाइबिलिटी कितनी है? ओ भाई साहब कितनी? 90,000, ठीक है। 3:1, हाँ जी 3:1। अब अगर इस केस में मुझे क्या निकालनी है? क्विक रेशियो। तो क्विक एसेट्स निकालने, हाँ आपको यहाँ पे बस इन्वेंट्री गिवन है 90,000 की, तो क्या करेंगे? करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। तो करंट एसेट आपके कितने के हैं सर? करंट एसेट है 2,70,000 के, इन्वेंट्री कितने की है? 90 की। तो भाई साहब क्विक एसेट 2,00,000 रुपये के हैं, डिवाइडेड बाई 90, ओ यस आ जाएगा बिल्कुल 2,00,000 डिवाइडेड बाई 90,000, ठीक है। 2.22, दो डेसिमल तक लिखना है, 2.22:1, बात समझ में आ गई एवरीबडी? येस और नो? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई, आसान है। अरे मैं रेशियो में क्या ही पढ़ाऊँ आपको। हाँ जी फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3:1, आपको करंट रेशियो दे रखी है कितनी? 3:1, ठीक है। क्विक रेशियो 2:1, वेरी गुड। इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट क्या मतलब है इसका? कि करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, है ना, कि सर दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक 40,000। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? स्टॉक का। ऑब्वियस सी बात है ना, करंट एसेट में स्टॉक आ रहा होगा लेकिन क्विक एसेट में नहीं आ रहा होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40,000, यस ठीक है। तो सी ए माइनस क्यू ए, सी ए माइनस क्यू ए 40,000, अच्छा ठीक है। आपको बोला सी ए और सी एल निकालो, अरे क्या है क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है वो। करंट रेशियो आपको गिवन है कितनी? 3:1, और क्विक रेशियो आपको गिवन है कितनी? 2:1, यही है ना, अरे यही है। हाँ सर अब मुझे एक बात बताओ, अगर करंट रेशियो क्या होती है? सी ए अपॉन में सी एल, कितना हो गया? 2:1 मतलब 2 ना, अच्छा ठीक है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर गया, ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। एक
इक्वेशन तो ये हो गई। अब अगर मैं क्विक रेशियो का यूज करूंगा तो आप क्या बोलोगे, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, अरे ये थ्री है यार, दिस इज थ्री, सॉरी, हाँ जी, इज इक्वल्स टू टू है ना, ये टू है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, सिंपल, इसको भी ऊपर भेज देते हैं, मतलब क्विक एसेट इज इक्वल्स टू कितना, ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी, सही बात है या नहीं? नहीं, आप मुझे बता दो सही बात है या नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, अरे अभी आपने क्या निकाला, अब इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। हाँ सर, अभी आपने बोला करंट एसेट माइनस क्विक एसेट 40,000 है, तो अगर करंट एसेट मतलब थ्री ऑफ करंट लाइबिलिटी, थ्री मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटी, थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटी माइनस ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी, सर कितना दे रखा है, 40,000। सर मैथ्स अच्छी है मेरी, ठीक है, थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटी माइनस ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी, यस, दोनों को इक्वेट कर दिया ना मैंने, है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो 40,000 है, हाँ कर दिया, तो करंट लाइबिलिटी आ गई 40,000। ओ, तो करंट एसेट भी आ जाएगा, क्विक एसेट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। करंट एसेट क्या था, थ्राइस ऑफ करंट लाइबिलिटी मतलब 120, अच्छा, और क्विक एसेट कितना है, ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटी मतलब 80। डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन, ठीक है सर, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी इज 1.6:1, बहुत बढ़िया। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो 2:1, अकाउंटेंट कह रहा है नहीं मेरे को आइडियल रेशियो चाहिए, ठीक है, बाय पेइंग ऑफ अ करंट लाइबिलिटी, वो कह रहा है मैं करंट लाइबिलिटी पे कर दूंगा और मेरी हो जाएगी। अब देखो जब वो करंट लाइबिलिटी पे करेगा तो आपका करंट एसेट भी कम होगा और करंट लाइबिलिटी भी, पे करोगे तो करंट एसेट तो कम होगा ना, ठीक है। कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी भी पेड, सर वो बोल रहा है कि बता दो यार कितना पे करूं, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 32 लाख रुपीज के, क्या है सर, 32 लाख रुपीज के अभी करंट एसेट है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी अभी 20 लाख रुपीज की है ना, लेकिन अब आप क्या करने वाले हो, इसमें से कुछ पे करोगे, मान लो एक्स अमाउंट पे करोगे, करंट लाइबिलिटी में से एक्स अमाउंट पे करोगे, वही अमाउंट आपके करंट एसेट को कम भी करेगा, हाँ, और कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए 2:1, सिंपल सी बात है। सर मैं इतना पे कर दूं कि 2:1 आ जाए, तो सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो ना यार, इसको वहां लेके जाओगे तो 20 लाख है ना ये, 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 40 लाख, हाँ जी, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, 2x, यस सर, इज इक्वल्स टू 32 लाख माइनस एक्स, यस और नो, बिल्कुल सही, राइट सर, 32 लाख को इधर भेज दो और 2x को वहां भेज दो, तो 40 माइनस 32 कितना होता है, 8 लाख, और माइनस एक्स प्लस 2x कितना होता है, एक्स, तो मतलब 8 लाख रुपए यार, 8 लाख पे कर दो बस, हाँ जी बस, राइट। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट रेशियोज पे, सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जब मैं सिर्फ वर्ड यूज करता हूँ सॉल्वेंसी तो इट मीन्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, हाँ, कि क्या कंपनी अपने सर जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट है, उसको पे करने के लिए केपेबल है, क्या उसके पास वो रिसोर्सेज है, क्या वो एसेट्स है, हाँ जी। पहली रेशियो इसमें डेट टू इक्विटी, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी आपने सुबह पढ़ा है, हाँ जी सर, उसमें हमने नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सर वही सब चीजें, ठीक है। और इक्विटी का मतलब यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स में हमने पढ़ी थी तीन चीजें सर, कौन सी तीन चीजें, पहली शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ, और शेयर वॉरेंट्स, वो तीन चीजें आपकी किसकी होती है, आपकी होती है इक्विटी में, ठीक है सर। ये रेशियो आपको बता रही है सिंपल सी चीज कि घर वालों का पैसा कितना है, बाहर वालों का कितना है, आइडियल रेशियो शुड बी 2:1, 2:1 क्यों, कि भाई अगर घर वालों ने 1 रुपए लगाए हैं, बाहर वाले 2 रुपए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी बढ़िया है ना, क्योंकि जब बाहर वाले आपके बिजनेस पे विश्वास कर रहे हैं तो अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2:1 आइडियल है, ठीक है सर, लोअर द बेटर, हाँ जी सर, ये जितनी अच्छी होगी ना उतने अच्छा है, क्यों, क्योंकि देखो जब आप बाहर वालों से उधार लेते हो तो कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है, किस चीज का, कि इंटरेस्ट पे करना है, डिफॉल्ट कर दिया तो एसेट बिक जाएंगे, ये सब चीजें होती है ना, और लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके घर में पैसे नहीं है, मतलब आपके शेयर होल्डर फंड्स में पैसे नहीं है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, लोअर द बेटर, मैंने हर रेशियो में ये लिखा है ताकि आपको पता हो एमसीक्यू में आ भी जाए तो, करंट रेशियो हायर द बेटर, क्विक रेशियो हायर द बेटर, और आपका डेट टू इक्विटी लोअर द बेटर, ठीक है। इसके बाद दूसरी रेशियो है टोटल एसेट टू डेट, मैं आपको पहले फॉर्मुलेस दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन सबके साथ करेंगे, ठीक है। टोटल एसेट टू डेट का मतलब अगेन भाई टोटल एसेट अपॉन में डेट, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है ना, कि आपने जो अपने एसेट्स खरीदे हैं, खरीदने के लिए बाहर वालों का कितना पैसा लिया,
टोटल एसेट कितने आपके पास, उसमें से डेट का कितना यूज किया है, बाहर वालों का कितना यूज किया। अच्छा ठीक है, जब यहाँ टोटल एसेट की बात आती है तो सर इसमें सारे एसेट आएंगे? जैसे हमने करंट रेशियो में पढ़ा कि ये मत लो वो मत लो, नहीं, करंट रेशियो चूज ही है सर, वो चूज कर रहा है, नहीं हम नहीं करते भाई, टोटल मतलब टोटल, कोई भेदभाव नहीं करेंगे सर, इंक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर स्पेयर, डेटर, ग्रॉस वैल्यू पे। हाँ जी सर, कुछ नहीं करना होता, सिंपल जो बैलेंस शीट में दे रखा होता है वो लेना। ठीक है, इसमें क्या है, हायर द बेटर। सर क्यों? देखो 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 बेटा, यहां है टोटल एसेट अपॉन में डेट, बिल्कुल सही। तो सर ज्यादा होगी, ज्यादा का मतलब कि ज्यादा का मतलब होता है अगर आपका डिनोमिनेटर कम है और न्यूमिनेटर ज्यादा है। भाई रेशियो ज्यादा कैसे होती है, जब उसका न्यूमिनेटर ज्यादा होता है और डिनोमिनेटर कम होता है, तो इसलिए क्या बोला, हायर द बेटर। मतलब सर इतना अच्छा होगा जब आपने सारे ही एसेट अपने घर के पैसों से खरीदे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर मान लो टोटल एसेट 1 लाख के हैं और आपका डेट कितना है, लेट से 50,000 का, रेशियो आ रही है सर 2:1, तो मतलब 2 रुपए का एसेट है उसमें से 1 रुपए बाहर वालों से लिए हैं। अच्छा सर, अगर मैं सिचुएशन को चेंज कर दूं, यहां लिख दूं 10,000, तो कितना हो गया 10:1। कितनी अच्छी बात है कि 10 रुपए के एसेट हैं लेकिन बाहर वालों से सिर्फ 1 रुपए लिया है। हाँ मतलब सारा पैसा खुद का यूज किया है, वेरी गुड, कंपनी बढ़िया है, पैसा है उसके पास। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, हायर द बेटर। ऑल राइट, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब सर शेयर होल्डर, ओनर। हाँ तो मतलब ये ओनर वाली रेशियो है। यस, ओनर वाली रेशियो कौन सी है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। हाँ जी बिल्कुल, सिंपल सी बात है सर, अगेन हायर द बेटर। ये हायर द बेटर क्यों है, अरे काके, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। सर ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब ये है कि यार मेरे पास अपना पैसा ज्यादा है, अपना पैसा ज्यादा है। हाँ, और टोटल एसेट खरीदने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, सिंपल सी बात है, हायर द बेटर। यस, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो, जहां पे वर्किंग ज्यादा होती है वही रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सर देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या लिखा है, हाँ क्या फॉर्मूला इसका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट का मतलब वही लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, PBIT कैसे निकालते हैं, बहुत बार समझा रखा है, आज दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, दोबारा क्वेश्चंस में दोबारा समझा दूंगा, अगेन हायर द बेटर। सर क्यों, ऑब्वियस ही बात है यार, न्यूमरेटर में क्या है, प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में क्या है, इंटरेस्ट। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, इंटरेस्ट जितना कम होगा उतना अच्छा है, न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद जो नई रेशियो आई है, टन टन, नई रेशियो क्या है आपकी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सर कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बार समझाया, गुडविल में समझाया, अभी दोबारा समझाऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सर कितना पैसा आपने अपने बिजनेस में लगा रखा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा ठीक है, निकालने के 2 तरीके होते हैं, राइट। सबसे पहले वाला लाइबिलिटी साइड का फॉर्मूला, क्या क्या आता है उसमें, शेयर होल्डर फंड्स और आपका नॉन करंट लाइबिलिटी। एसेट साइड का फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं। अब इसमें क्या है सर, इसमें बेसिकली आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सर क्या, जो आपने गुडविल में पढ़ी है वही सब चीजें। सर इसमें आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, क्या माइनस करना है, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है सर माइनस करो उसको, माइनस करो। कोई फिक्टिशियस एसेट है माइनस करो उसको, माइनस करो। बात समझ में आ गई, हाँ सर। उसके बाद ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। यहां पे ना एक गड़बड़ है, ये गड़बड़ है अनफॉर्चुनेटली बेटा, कुछ चीजें ना किताबी में, किताब में ही रह जाती है और कुछ ना कुछ इलॉजिकल उसमें होता है। मतलब सर कुछ किताबी बातें जिसका लॉजिक समझाना मुमकिन नहीं हो पाता, उसमें से एक बात ये है, क्या है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर, अगर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानोगे। सर लेकिन लेकिन एक बात बताओ, हमने गुडविल वाले चैप्टर में तो उल्टा पढ़ा था, यही तो दिक्कत है। अनफॉर्चुनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं गुडविल का कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूँ उसमें अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है और कुछ नहीं लिखा तो वो मैं नॉन ट्रेड मान रहा हूँ, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग रेशियोज कर रहा हूँ तो उसको ट्रेड मान रहा हूँ। लॉजिक इसके पीछे कुछ नहीं है, क्वेश्चंस करने के लिए आपको बस कंफ्यूज करने की साजिश है, ठीक है। ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी क्वेश्चन करेंगे, बहुत हो अच्छा। फॉर्मूला क्या है सर, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला उसके नाम में है, डेट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है, लोअर द बेटर। अरे क्यों, अरे देखो ये क्या बोलता है, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलता है, कि आपने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड,
उसमें डेट कितना है, उसमें से डेट का पोर्शन कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, डेट ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए न्यूमरेटर कम होना चाहिए, तो लोअर द बेटर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखो। बहुत सारे क्वेश्चन है और आपके मिक्स क्वेश्चन है, बहुत सारी रेशियोज आपकी एक दो क्वेश्चन से ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो समझ में आ जाएगी। टोटल एसेट आपको दे रखा है 2,60,000 का, टोटल डेट है, सीएल है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको जब आंसर अटेम्प्ट करना है तो लिखो क्या कि फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। आपको चाहिए क्या? हमको चाहिए डेट अपॉन इक्विटी। क्या आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है? नहीं। और अगर नहीं मेंशन तो फटाफट से क्या करो, बैलेंस शीट बना लो अपनी, रफ में, हाँ जी रफ में बैलेंस शीट बनाओ और जो जो चीज़ें चाहिए वो निकाल लो। सर देखो यहाँ पे है टोटल एसेट, मतलब ये कितना आपका 2,60,000। अगर टोटल एसेट 2,60,000 है तो इस साइड का टोटल भी 2,60,000 होगा, ये मुझे पता है ना। मतलब शेयर होल्डर फंड्स प्लस लाइबिलिटी आपका 2,60,000 होगा। ठीक है, टोटल डेट आपको दे रखा है, टोटल डेट का मतलब सर करंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी कितना दे रखा है, 1,80,000। अच्छा, अरे मजे की बात यह है कि करंट लाइबिलिटी पता है। अरे यार, अगर करंट पता है इसका मतलब करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 180, ओ सॉरी करंट लाइबिलिटी है 20,000। यस, तो नॉन करंट कितनी होगी काके? नॉन करंट होगी 1,60,000। सिंपल, यस। सर इसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपको डेट चाहिए, डेट आपको मिल गया कितना, 160। हमको चाहिए इक्विटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस साइड का टोटल 260 है और आपके पास टोटल डेट आ गया 180, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गई 80,000 बैलेंसिंग फिगर है, 260 में से 160 माइनस किया, 20 माइनस किया। हाँ सर, यही तो है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, तो 80 क्या बोला मैंने, अरे आप ये निकालो 2:1। सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो आपको सिंपल, जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, आप देखो आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है। आपने क्या बोला, टोटल एसेट, यस। अगर आप टोटल एसेट में से क्या माइनस कर रहे हो, टोटल डेट माइनस कर रहे हो। ये 2,60,000 टोटल एसेट थे, हाँ जी, इसमें से आपने टोटल डेट माइनस किया, ये शेयर होल्डर फंड्स है। तो जो आपने प्रोसेस यूज किया है, जो तरीका यूज किया है, बस वही आप लिख दो फॉर्मूले में, कुछ दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते। ठीक है, ऑल राइट सर, आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड होगा, रिजर्व ऐड होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, सर शेयर होल्डर फंड्स चाहिए और हमको चाहिए डेट। ये भी शेयर होल्डर फंड्स है, यस। ये भी शेयर होल्डर फंड्स है, यस। रिजर्व भी आएगा, हाँ सर। ये अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में, ये क्या दे रखा है आपको, पीएनएल बैलेंस नेगेटिव, मतलब आपके पास सरप्लस नेगेटिव है। तो भाई सरप्लस तो है लेकिन नेगेटिव, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस है लेकिन बैलेंस तो है ना, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सर, दिस इज योर इक्विटी। इक्विटी, हाँ जी, 3,00,000 रुपये प्लस 50,000 प्लस 160 माइनस 50 कितना हो रहा है सर, ये 4,60,000। दिस इज इक्विटी। हाँ, आपको चाहिए डेट, डेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अभी पढ़ाया सुबह, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। तो क्या है, दोनों ही नॉन करंट है, हाँ जी बिल्कुल। तो आपने डिवाइड किया 260 से, डेसिमल में आएगा कोई बात नहीं, 2 डेसिमल तक लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर, बिल्कुल राइट। तो आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, कितना, 0.57:1 आंसर, ये सर बिल्कुल। खत्म खत्म खत्म, आओ फटाफट से। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मल्टीपल रेशियोज निकालनी है, डेट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट टू डेट, डेट टू कैपिटल, सब निकालना है। बस एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगी, वो भी कर लेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, यस सर। मतलब आपको एक तो चाहिए डेट और एक आपको चाहिए इक्विटी। तो सबसे पहले डेट को ढूंढें, क्या आपको डेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या, हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ देखो सर, लॉन्ग टर्म लोन आपका डेट है, पब्लिक डिपॉजिट्स आपका डेट है, पब्लिक से जो पैसा लिया वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, हाँ जी। तो डेट तो मेरे को मिल रहा है, कितना आ गया अभी आपका, 50,00,000 रुपीज़। ठीक है, इक्विटी मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। शेयर कैपिटल, इसका कलर चेंज करते हैं, शेयर कैपिटल 10,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 15, हाँ जनरल रिजर्व 5,00,000। अच्छा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, हाँ या ना, अरे बोलो ना सर, बिल्कुल सही बात है, अरे गलत बात है, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका एक पर्पस है, देखो ध्यान से। सर यहाँ पे वर्ड गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, गिवन है ना, हाँ, इसका मतलब रिजर्व भी इसमें आ गए, सरप्लस भी आ गए। अब अलग से अगर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है तो क्यों ऐड करूंगा, जब मैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस ले रहा हूँ, टोटल, हाँ, तो उसमें सारे रिजर्व आ चुके हैं, दोबारा थोड़ी ऐड करूंगा। मतलब ये दो चीज़ें लूंगा, 25,00,000 रुपये, 25,00,000 रुपये, यस सर। तो देखो डेट कितना था, 50,00,000,
और इक्विटी कितना आ गया 25 लाख। ओ ये बात है, 2:1, बात समझ आ गई। देन प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, टेंशन मत लो, लिख लिख के क्वेश्चन करोगे हो जाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो फॉर्मूला लिखो, क्या था, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड तो आप निकाल चुके हो ना, 25 लाख। हाँ टोटल एसेट ही तो निकालना है, अरे निकाल लेंगे। देखो आपको यहाँ पे बहुत कुछ गिवन है, करंट एसेट, बहुत बढ़िया। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ अब देखो इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद ये बोल रहा है फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे और डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। भाई हम तो क्या लेंगे, अपनी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, राइट। तो 80 लाख माइनस 15 लाख कितनी है, 65 लाख। तो मेरे एसेट की वैल्यू तो इतनी है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं कितना लूंगा, 65 लाख। तो टोटल एसेट आ गया 16 लाख प्लस 4 लाख प्लस कितना, 65 लाख। ठीक है ये आ गया सर 85 लाख। ओ भाई साहब 85, सर ये तो ज़्यादा होनी चाहिए है ना, कम आ रही है तो काफ़ी। 25 लाख डिवाइडेड बाई 85 लाख, अच्छी बात नहीं है ये, 0.29:1। इसके बाद टोटल एसेट टू डेट यू निकलेगी, देखो आ जाओ, टोटल एसेट टू डेट। तो टोटल एसेट, हाँ जी, अपॉन में डेट, दोनों ही चीज़ें निकाल चुका हूँ मैं। टोटल एसेट है 85 लाख, करेक्ट। डेट आपका था कितना, 50 लाख। ये ज्यादा होनी चाहिए और ये हमारी कम आ रही है, कंपनी खतरे में है। कितना आ रहा है ये, 1.7, 1.7:1। सर कम कहाँ आ रही है, ठीक है 1.7:1, अच्छा ठीक है। इसके बाद आखिरी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो शेयर होल्डर फंड्स आपको ऑलरेडी पता है, उसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। सर शेयर होल्डर फंड्स आपको कितना दे रखा था, 25 लाख रुपए, तो 25 लाख रुपीज तो वो हो गया, राइट। नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी है, 50 लाख रुपीज, यस। सर अब यहाँ पे बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे आपको दे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दो टाइप के आते हैं, ट्रेड और नॉन ट्रेड। अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, क्या मानेंगे, ट्रेड मानेंगे, मतलब माइनस नहीं करेंगे, नहीं, नॉन ट्रेड माइनस होती है। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 75 लाख। तो डेट कितना है सर, डेट है आपका 50 लाख, ठीक है, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 75 लाख, हो गया। अरे मुझे बताओ क्या ये मुश्किल है क्या, नहीं मुश्किल है, आप मुझे बताओ। 0.67:1 आंसर मैच कर लें, कहीं मैंने कुछ कुछ गलती कर दी हो, गलती हो जाती है बच्चों से, कोई बात नहीं। 0.29, 1.7 और 0.67, बढ़िया। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट निकालने हैं, बहुत अजीब वैल्यूज आपको दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे एक रेशियो दे रखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है इस रेशियो का मुझे यूज करना है, 0.75:1। तो सबसे पहले सोचो इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। हाँ सर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट माइनस कर दूंगा तो करंट आ जाएंगे, हाँ बस ठीक है आ जाओ। सर शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं पता है क्या मुझे, बिल्कुल पता है, पता है पता है। देखो ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, हाँ जी बिल्कुल, ये सब आपका आ जाएगा, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, शेयर होल्डर फंड्स में, ठीक है। तो 25 लाख प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख माइनस 2 लाख कितना, 36 लाख। हाउ मच, 36 लाख, करेक्ट। सर टोटल एसेट तो आपको पता ही नहीं है ना, लेकिन अरे चाचा वही तो निकालने हैं टोटल एसेट। हाँ मुझे क्या है, मुझे रेशियो पता है कितनी, 0.75। तो क्या टोटल एसेट नहीं आ जाएंगे, 36 लाख को डिवाइड करेंगे 0.75 से, 48 लाख। तो टोटल एसेट आ गए 48 लाख। अब यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट गिवन है, हाँ तो मतलब यही मेरे नॉन करंट होंगे फिक्स्ड एसेट। तो 48 में से जब मैं माइनस करूंगा कितने, 30 लाख, तो करंट एसेट आ जाएंगे कितना, आ गया 18 लाख रुपए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है सर जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा, तो क्योंकि वो सरप्लस का पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ाया है। बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, उसके बिना ये चैप्टर दिक्कत करेगा, कर लेना पहले उसको। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होगा तो वो बेसिकली सरप्लस है, और रिजर्व एंड सरप्लस में वो जाता ही है, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, असली काम, ठीक है। देखो आप डेट टू इक्विटी निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं, डेट दे रखे मेरे को दिख रहे हैं, डेट लोन, लोन दे रखा है, लोन, हाँ जी 10%,
इंटरेस्ट रेट है 10%, ठीक है। डिबेंचर्स 2 लाख, और कुछ है? हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये आ गया 6 लाख रुपये, ये आपका डेट हो गया। क्या इक्विटी गिवन है? इक्विटी भी गिवन है। क्या हलवा क्वेश्चन करवा रहे हो सर? बेटा यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तो कुछ नहीं? नहीं। तो ये आ गया आपका कितना? 2,50,000। तो बेसिकली डेट है आपका 6 लाख रुपये। भाई साहब, दिक्कत वाली कंपनी है तो। और शेयर होल्डर फंड्स है 2,50,000। ओए होए, पैसा कम है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 250, 2.4:1, ज़्यादा ही है। ठीक है, ये डेट टू इक्विटी है। अब आते हैं सर मेन, ठीक है, ये सब तो बच्चों का खेल है, असली रेशियो इंटरेस्ट कवरेज है। देखो, आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पहले एक बार आराम से समझ लो। मैं इस सेशन में, मतलब 2022-23 में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम इस साल 5-6 बार समझा चुका हूँ, दोबारा समझते हैं, ठीक है सर? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस आपका किस तरीके से बनता है कि आपने रेवेन्यू लिया, COGS माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें से आपने कुछ एक्सपेंसेस माइनस करे, एक्सपेंसेस, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह। हाँ सर, एक्सपेंसेस माइनस करे, लेकिन अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि बाकी आपने एक्सपेंस माइनस कर दिए लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। हाँ, इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर अगर टैक्स माइनस होगा तो बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट। बात समझ में आती है? ठीक है, अब बात यह है कि आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96,000, मतलब आपको वैल्यू ये वाली गिवन है, मेरे को उल्टा चलना है। हाँ, तो उल्टा कैसे चलूंगा मैं? पहले मैं टैक्स को ऐड करूंगा, फिर इंटरेस्ट को ऐड करूंगा। सीक्वेंस है भाई, सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी समझो आप, ठीक है? अच्छा ठीक है, 96,000, हाँ जी 96,000, दिस इज माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब देखो, जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उस पे आप टैक्स माइनस करते हो सर। मतलब अगर लेट से 100 रुपये का PBT है और टैक्स कितना? 20%, तो 100 रुपये पे 20% लगता है और आपका 80 आता है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो इसका 20% मत निकाल देना, टैक्स कभी भी किसका नहीं निकलता, पैट का, PBT का निकलता है, ठीक है सर। इंटरेस्ट कितना है? 50% है, इनकम टैक्स 50% है। कौन सी कंपनी है भाई, कौन सी कंट्री है? 96,000, अच्छा 50%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो तरीके हैं, दोनों ही बता रहा हूँ, जो पसंद आए रख लेना, ठीक है सर। पहला, कि मान लो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स है, तो टैक्स आपने कितना लगाया होगा इसका? 50%, मतलब 0.5x। हाँ, ये है बेटा नॉन मैथ्स वाला तरीका, एक्स माइनस 0.5x कितना? 96,000, 0.5x 96,000, आप इसको सॉल्व कर लो, करते रहो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये समझ में आता है तो ये सही, मैं किसी को मजाक थोड़ी ला रहा हूँ मैं, ठीक है। 96,000 डिवाइड बाय 0.5 ही नहीं हो रहा, बताओ, 1,92,000। तो 1,92,000 मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाँ जी, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या है? सिंपल, कि सर जब मुझे PBT निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैट है डिवाइडेड बाय 1 माइनस जो भी मेरा टैक्स का रेट है, अच्छा जी, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 100, सही में? हाँ, देखो आपका पैट कितना है, अच्छा 100 को मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, पैट कितना है? 96,000, ठीक है। 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है? 50%, अब 50% को आप लिख सकते हो 0.5, हाँ जी, बस इतना ही करना है। कितना आ जाएगा ये? 1,92,000 PBT, जो तरीका पसंद है रख लो, ठीक है सर। ये तो PBT आया है, हाँ, इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा ना, दे रखा है, देखो लोन है 10% का, ये इंटरेस्ट हो गया, इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40,000, ठीक है। 12% डिबेंचर है, 24,000, ये आ गया, तो इसका मतलब 64,000 का इंटरेस्ट होगा, ऐड कर दो, कर दिया। 192 प्लस 64 कितना आता है? 256, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं सर? जो इंटरेस्ट होता है, कितना? 64। हाँ, अभी तक जो रेशियो हम निकाल रहे थे वो हमारी प्योर रेशियो थी। प्योर रेशियो का मतलब जब मैं ऐसे निकालता हूँ 3:1, है ना, जब डिनोमिनेटर को मैं 1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यस सर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी टाइम्स में आती है, इसमें टाइम्स में 64,000 कितनी आ रही है? 4, दिस इज 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि जितना आपका इंटरेस्ट का खर्चा है उसके 4 गुना, 4 टाइम्स आपके पास प्रॉफिट है। बात समझ में आती है? अच्छा ठीक है, बस हो गया रे, हो गया, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस, ऑल राइट, आ जाओ सर। नेट प्रॉफिट, अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से,
अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, आपने शेयर होल्डर फंड्स में ऐड क्यों नहीं किया? हाँ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि नेट प्रॉफिट इज सरप्लस, और सरप्लस आपका ऐड होता है क्योंकि बेटा आपको यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन था, सरप्लस गिवन था, हाँ जी, इसका मतलब ऑलरेडी आपका प्रॉफिट उसमें एडेड होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ रिजर्व्स गिवन होता तो ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है ये, अगर सिर्फ रिजर्व्स गिवन होता हाँ तो हम क्या करते, जब मुझे इक्विटी निकालना था, डेट टू इक्विटी के लिए जब मुझे इक्विटी निकालना था तो मैं अपने नेट प्रॉफिट को ऐड करता 96,000 को। बात समझ आ गई? आ जाओ सर, आ जाओ, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स तो मैंने क्या बनाया है, ओहो, नेट प्रॉफिट इज एडेड टू शेयर होल्डर फंड्स बट सिंस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज गिवन वी हैव नॉट एडेड 96,000 अगेन। बढ़िया, आ जाओ सर, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बैलेंस शीट गिवन है, सर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पहले बोर्ड्स में काफी बार आ चुके हैं कि बैलेंस शीट गिवन होगी और आपको निकालना होगा रेशियो, निकाल लेते हैं, आ जाओ सर। बैलेंस शीट है एच एम लिमिटेड, ठीक है सर, यहाँ पे आपको निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 9 लाख, टैक्स रेट है 40%। तो भाई सबसे पहले तो हम पीबीडी निकाल लेते हैं, बाकी सब तो जाए भाड़ में, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कितना है, 2,09,00,000 रुपए। मुझे अब एक बात बताओ सर, 9 लाख हमने यहां लिखा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स का रेट 0.4, 40% को 0.4 लिखते हैं ना मैथ के धुरंधरों, हाँ सर हाँ 0.4, ठीक है क्लियर है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.6, बताना पड़ता है भाई, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो, कितना, 15 लाख रुपए आ गया ना। हाँ इसमें ऐड बैक करने का, क्या ऐड बैक करने का, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड बैक करने का, यस सर। अभी तो इसमें ट्विस्ट आएगा भाई, इसको मार्क कर लो, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट सर, 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट डेट वाला इंटरेस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 16 लाख रुपए की, 15% का इंटरेस्ट 2,40,000 रुपये, 2,40,000, यस बिल्कुल सही। तो आपका आ गया पी बी आई टी कितना, 15,17,40,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, हाँ जी ध्यान से सुन रहे हैं सर। सर ये जो आपका पी बी आई टी आया है, हाँ इसमें मुझे बताओ क्या आपका, सर क्या आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होगा ये 10% क्या इंक्लूडेड होगा, आप बताओ सर, क्या ये आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, बोलो ना बोलो, हाँ सर होगा तो सही, बिल्कुल सही सर। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई, ये सुनो, हमको चाहिए ही नहीं, मेरे को ये अपने इंटरेस्ट में चाहिए, मतलब अपने प्रॉफिट में चाहिए ही नहीं, क्योंकि बिजनेस से नहीं हो रहा ना सर, बिजनेस से नहीं हो रहा, हाँ जी बिजनेस से नहीं हो रहा। तो देखो सिंपल सी बात है, 17,40,000 रुपये माइनस क्या सर, जो आपका ये इंटरेस्ट बनता है कितना, 1,20,000 पे 10%, 12,000 रुपये सर। मतलब ये है, आप कोई भी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप वहां पे प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो, सुन लो ध्यान से सर, अगर आप कोई भी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और वहां पे क्या ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, तो भाई साहब सुनो, प्रॉफिट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं होता है। बात समझ में आ गई? हाँ सिमिलरली अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो सर ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट थी। 17,40,000 माइनस 1 माइनस 12,000 ना, 17,40,000 है पक्का, अरे ये 17 लाख कहाँ लिख दिया मैंने, पक्का, अच्छा ठीक है, बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, 17,28,000 ये है मेरा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो इंटरेस्ट ऑन डेट है, दैट इज 2,40,000। अरे फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है पी बी आई टी अपॉन में, इधर लिखता हूँ, पी बी आई टी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट, कि अपनी डेट को डेट पे इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट है। सर ये आ जाएगा 17,28 डिवाइडेड बाय 2,40, वाह कितना आ रहा है, 7.2 टाइम्स, वेरी नाइस। बात समझ में आ गई? हाँ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है आ जाओ। देखो सर अगर हम बात करेंगे डेट की, तो डेट निकालना तो आसान है, देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में बस इतना ही तो डेट है, कितना, 16 लाख, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
अब देखो इसके बाद आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में, सारा खेल तो इसी का ही है ना। हाँ जी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो सर, जैसे कि अगर टोटल एसेट से निकालते हैं तो टोटल एसेट है 33,20,000, 20,000, 33,20, ओ यस, माइनस करंट लाइबिलिटी कितने कितने 8 लाख रुपीज़। ठीक है सर, इसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो सर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,20,000 हो गया बस। सर जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें से आपको क्या करना होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो माइनस करनी है। हाँ जी सर, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉय निकाल रहा हूँ तो मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, ठीक है 33,20 राइट सर, आपने प्लस, अच्छा माइनस 8 लाख, ठीक है माइनस 1,20,000 सर, क्या ये 24 लाख रुपीज़ आ रहा है? हाँ जी, तो क्या हमारा डेट 16 लाख है? बिल्कुल है। क्या हमारी कैपिटल एम्प्लॉय 24 लाख है? बिल्कुल है। आंसर कितना है ये बताओ, 0.67:1। देखिए क्या इसका कितना आया था, 7.2 और 0.67, 7.2 और 0.67, ठीक है क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया, आओ अभी रुकना नहीं है, रुकना नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँ मैं इस बार आपके लिए। देखो डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट और प्रोपर्टी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले डेट अपॉन इक्विटी, आधा काम तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। डेट 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 ये रहा कितना है, 75,000। इतना आसान क्यों है सर ये, पता नहीं। इक्विटी 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 में कुछ पॉइंट्स हैं क्या, देखें इक्विटी कैपिटल कैपिटल कैपिटल, अब बैलेंस दे रखा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव बस हो गया। तो 75,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, 1,75,000, मतलब 1,75,000 डन है ना। हाँ जी, तो 75 डिवाइडेड बाय 175, 0.43:1 अप्रॉक्सीमेटली हो गया। यस, टोटल एसेट टू डेट, तो टोटल एसेट चाहिए और डेट चाहिए, डेट तो अपने पास है, टोटल एसेट चाहिए। अब अगेन आपको एक छोटी सी बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, अपने लिए बना लो, ठीक है सर। यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड्स निकाल लिया ना आपने, इक्विटी कितना था वो आपका था 1,75,000, ठीक है। आपको डेट भी पता है, यस सर डेट भी पता है कितना है, 75,000। अरे आपको तो करंट लाइबिलिटी भी पता है, ये देखो ये दो पता है ना, 40 और 10, 50। अरे घबराए का रहे हो, देखो सर क्या हमारा इसका टोटल बन जाएगा, बिल्कुल 175 प्लस 75 प्लस 50, 3 लाख रुपए। तो भाई इसका जो टोटल होता है वही एसेट का टोटल होता है, इसका मतलब टोटल एसेट 3 लाख रुपए है सर। इसको लिखेंगे कैसे, जो आपने करा है वही, कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू टोटल एसेट्स, कितना 3 लाख रुपए। और डेट तो आपने पहले ही निकाल लिया था, वेरी नाइस, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75 कितना, 4 टाइम्स, मतलब 4:1, यस। उसके बाद क्या था, प्रोप्राइटरी भी निकाल लेते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, अरे ये तो यूं निकल गया, अपॉन में टोटल एसेट। मुझे बताओ अकाउंटिंग रेशियो मुश्किल है, ये मुश्किल है, ये बताओ, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स कितना आ जाएगा, 1,75,000। टोटल एसेट आपका 3 लाख रुपए का। अब अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है बेटा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, 0.58:1 खत्म। हाँ जी बिल्कुल खत्म सर, हो गया क्या, अरे हो गया हो गया हो गया सर। इसके बाद थर्ड रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, क्या बताती है कि बिजनेस अपने रिसोर्सेस को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है, अपने इन्वेंट्री को कैसे यूज कर रहा है, उसका टर्नओवर कितना है, मतलब एक साल में कितनी बार वो रोटेट होता है, कितना बिकता है। डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर से आप एक साल में कितनी बार पैसा कलेक्ट कर पा रहे हो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स को एक साल में कितनी बार पैसे दे रहे हो, यस सर। उसके अलावा और कौन सी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अपने वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो अपने सेल्स को इंक्रीज करने में। उसके बाद जो नई रेशियो चाहिए वो है दो, अभी मैं आपको सारी रेशियो समझाऊंगा, टेंशन मत लो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सिंपल टर्नओवर मतलब अभी बताया था सेल्स, हाँ जी फिक्स्ड एसेट को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो सेल्स के लिए। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट सर कुछ नहीं होता, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए सर,
अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारी 6 रेशो है, एक एक करके फटाफट से देखते हैं, आ जाओ। हाँ जी, तो देखो फटाफट से पहली रेशियो कौन सी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। वैसे तो मैंने आपको एक एक रेशियो एक एक घंटे में पहले करवाई थी, अब फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री है। COGS का मतलब जो गुड्स आप सेल करते हो उसकी कॉस्ट। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं सर। सबसे पहला तरीका ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में जो इन्वेंट्री थी, प्लस परचेजेस। क्या होता है सर, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो आपने नेट परचेजेस करी है। परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो खर्चे जो आपने डायरेक्टली परचेज पे करे, राइट। सर कौन कौन से हो गए, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, पावर, गैस, फ्यूल, अच्छा ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये बात समझ में आती है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला सर, ये तो है पुराने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के, जो पुराना वाला प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, हाँ ये उसका फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ये। हाँ जो नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ाया भी है, अगर मुझे वो दे दिया जाए और निकालना हो COGS, सर COGS वहां पे कैसे निकालते हैं? पहली बात सर, नए वाले प्रॉफिट एंड लॉस में COGS को बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ कैसे निकलता है, देखो ध्यान से, आपको याद हो अगर हमने पढ़ा सुबह सुबह, एक होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल का खर्चा, COMC, रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस परचेजेस। फॉर्मूला वही है, बस क्योंकि वो पुराना वाला फॉर्मूला, ये नया वाला नाम अलग है, बात वही है सर। रॉ मटेरियल का खर्चा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस जो आपने गुड्स परचेज करे हैं, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, किसकी, फिनिश गुड्स की, यस, वर्क इन प्रोग्रेस की, आपका स्टॉक इन ट्रेड की, ठीक है, और आपका प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फॉर्मूला दोनों के सेम ही है अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां पे भी क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहां पे उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद परचेजेस के लिए क्या है, यहां पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो है ही फॉर्मूला सेम है। और राइट सर, उसके बाद आपका एक और आता चीज, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक फॉर्मूला क्या बनता है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, क्या हो जाएगा आपका, COGS आ जाएगा। और अगर ग्रॉस लॉस है तो सेल्स में ग्रॉस लॉस को ऐड कर दो, ठीक है सर। देन एवरेज इन्वेंट्री, सबको पता है कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2। अरे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आराम से इसके हो जाते हैं। ऑल राइट सर, इसके बाद यह है कि अगर इन केस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कोई तरीका गिवन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और आपके पास रेवेन्यू गिवन है, तो कई बार हम रेवेन्यू को यूज कर लेंगे। अगर COGS गिवन नहीं है तो पहली प्रायोरिटी COGS है, ठीक है। हायर द बेटर, हायर द बेटर मतलब सर जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। जितनी ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि भाई इसका मतलब आपने पूरे साल इन्वेंट्री ज़्यादा रोटेट करी है, ज़्यादा बेचा है, ठीक है। उसके बाद सर ये हमने कर लिया, हाँ सर उसके बाद एक चीज़ आती है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री आपके पास कितने टाइम तक थी, इन्वेंट्री आपके पास कितने टाइम तक रहती है या कितने टाइम में वो रोटेट हो जाती है। यस सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको मंथ्स में निकालना है कि कितने महीने में आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, तो 12 अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट रेशियो आती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सिंपल है कि आप पूरे साल में अपने ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर्स और BR, डेटर और BR, अच्छा ठीक है, उनसे पैसा कितना कलेक्ट करते हो। अब क्योंकि यहाँ पे उधारी की बात है, डेटर्स BR, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स मतलब जो उधार पे बेचा है, ठीक है सर, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। जब मैं ट्रेड रिसीवेबल लेता हूँ वहाँ पे प्रोविजन नहीं माइनस करना होता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ करंट रेशियो में ही माइनस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होगा, जैसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। कई बार ऐसा होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग डेटा होगा, क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो क्लोजिंग डेटा होगा उसी को हम एवरेज मानेंगे। क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना, ओपनिंग को 0 मत मान लेना, ठीक है। जो क्लोजिंग डेटा होगा उसी को मान लेंगे क्या, एवरेज। बात समझ में आ गई, यस। उसके बाद आपको बोला है, अगर इन केस आपके पास क्रेडिट सेल्स नहीं है, टोटल सेल्स है, क्वेश्चन में टोटल सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है, तो भाई हम फिर टोटल सेल्स की फिगर लेंगे ये मान के कि सारी ही क्रेडिट है, गिवन नहीं है तो क्या करें, सही बात है सर। उसके बाद आता है डेट कलेक्शन पीरियड, कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में
आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हो, वही सेम फॉर्मूला। अगर महीनों में निकालना है तो 12 अपॉन में रेशियो, डेज में निकालना है 365 अपॉन में रेशियो, सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स को कितने दिन में पे करते हो, सिंपल राइट, ठीक है। तो क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स, यहां पे भी क्या बनता है, एवरेज पेमेंट पीरियड, कि ऑन एन एवरेज कितने दिन में पे करते हो। महीनों में निकालना है तो 12 अपॉन में रेशियो, दिनों में निकालना है तो 365 अपॉन में रेशियो, हायर द बेटर ऑफ कोर्स। सर क्यों? क्योंकि अगर आपको ज्यादा टाइम पीरियड मिलता है पे करने के लिए, मतलब आप ज्यादा टाइम तक उधार ले पाते हो, तो अच्छी बात है ना भाई, पैसा आपको जल्दी पे नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगेन इसमें भी सेम चीज है कि दो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, क्रेडिट परचेजेस, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं है तो टोटल मान के चलेंगे, जो टोटल गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल का यूज करके मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। ऑल राइट, ये बात समझ में आती है, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो नया आया जो आपका फॉर्मूला, वही सेम जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है वैसे फिक्स एसेट है, रेवेन्यू अपॉन में फिक्स एसेट, ठीक है सर। फिक्स एसेट मतलब वही प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, वही सब चीजें। और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट एसेट्स। क्वेश्चन करते हैं, आओ, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ जाओ आ जाओ, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स गिवन है, फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कितनी गिवन है सर, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो टोटल सेल्स है 2 लाख रुपए, जीपी है 25%, मुझे बताओ अगर सेल्स और जीपी आपके पास है तो क्या COGS निकल जाएगा। हाँ सर, फॉर्मूला क्या होता है, COGS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितना है, 2 लाख रुपए, यस, जीपी है 25%, तो 2 लाख का 25% कितना होता है, 50,000, तो आपका COGS कितना आ गया सर, 1,50,000, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको रेशियो गिवन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज इन्वेंट्री, रेशियो गिवन है कितनी, 5, ठीक है। तो देखो क्या मैं यहाँ पे आराम से एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ, हाँ ये देखो ना, इसका यूज करके बिल्कुल निकाल सकते हैं, राइट। 150 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 30,000, तो 30,000 एवरेज आया है, हाँ जी बिल्कुल एवरेज आया ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इज मोर बाय 4,000 देन दी ओपनिंग इन्वेंट्री। सर मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, क्या है सर, एक्स, अगर क्लोजिंग को एक्स मान के चले तो ओपनिंग कितना है सर, अगर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मेरा क्लोजिंग एक्स है तो ओपनिंग कितना है, बोलो ना सर ओपनिंग कितना होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, उल्टा करते हैं उल्टा, सर यहाँ पे बेसिकली आपको बोला है क्लोजिंग 4,000 ज़्यादा है, तो मान लो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 100 रुपये है तो वो 4,100 रुपये है, तो सर यहाँ पे मैं एक्स किसको मान लेता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री को, इसको एक्स मानता हूँ, तो क्लोजिंग कितनी होगी, एक्स प्लस 4,000। ओके ये बात समझ में आती है, ओपनिंग को एक्स मान लिया, क्लोजिंग कितनी हो गई, एक्स प्लस 4,000, सही बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग कितनी है, एक्स, क्लोजिंग कितनी है, एक्स प्लस 4,000, सही बात है, डिवाइड बाय 2 कितना, 30,000, सॉल्व करेंगे बिल्कुल, ये गया वहाँ पे 60,000, ठीक है। एक्स प्लस एक्स कितना होता है, 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 4, 54, सही किया ना मैंने, 230, 60 माइनस 4, सॉरी 56, हाँ सर आपकी मैथ अच्छी नहीं है शायद, अरे बहुत अच्छी है। एक्स इज इक्वल्स टू 28,000, कितनी है, 28,000, हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग आ गई बिल्कुल कितनी, 28, अरे हमने ओपनिंग को एक्स माना था तो क्लोजिंग कितनी हो गई, 32, ईजी है ना, हाँ कुछ भी तो नहीं था इसमें, बेकार में क्या ही है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट देखो, परचेजेस है 5,70,000, फ्रेट, सर फ्रेट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट का मतलब जहां से आपने सामान खरीदा वहां से अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है, कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट हो, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बेकार के एक्सपेंसेस, रेवेन्यू है 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, ग्रॉस लॉस 16%, सर निकालना क्या ये तो बताया ही नहीं आपने, नहीं बताया क्या आपको, निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा हाँ, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है, सर आपके पास रेवेन्यू है बिल्कुल है, आपके पास ग्रॉस लॉस है, तो क्या हम COGS निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं, COGS इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू है 5 लाख रुपए, करेक्ट।
सेल्स में लॉस को ऐड करेंगे तो ही तो मेरा कॉस्ट आएगा, ठीक है। लॉस कितना है? 16%। तो ये हो गया 80,000, 5 लाख का 16%। अरे मैथ स्ट्रांग है मेरी, ठीक है, 5,80,000। ऑल राइट, दिस इज सीओजीएस। हाँ जी ठीक है सर, सीओजीएस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मेरी बात सुनो, आपके पास परचेज है, फ्रेट है, हाँ जी सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो सीओजीएस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कौन सा? सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री, करेक्ट, प्लस परचेजेस, राइट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग, वो यूज करेंगे। हाँ, अब सीओजीएस है आपका 5,80,000, ये बात भी सही है। इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? अरे यही तो निकालना है। परचेजेस कितना है? परचेजेस 5,70,000, कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे सिर्फ फ्रेट है, कितना? 20,000। और क्लोजिंग भी गिवन है 70। तो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 5,70,000 प्लस 20 माइनस 70, सर ये तो 60,000 आ गया। हाँ तो मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 60,000। कुछ भी तो नहीं है इसमें ना, कुछ भी नहीं है, रेशियोस में कुछ कराने के लिए होता ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। सर क्या मतलब है इसका? कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स है उसका 25% कैश सेल्स है। कि क्रेडिट सेल्स मान लो 100 रुपये है, तो कैश सेल्स 25 रुपीज है, ठीक है। ऑल राइट, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको दे रखा है 2 लाख, कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 2 लाख ज्यादा है, ठीक है सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है नेट सेल्स 15 लाख, आपको TRTR निकालना है, टर्टल। हाँ जी सर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी सर, मैं क्रेडिट सेल्स निकाल सकता हूँ, क्यों? देखो मान लो कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स का 25%, तो अगर आपकी क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं एक्स है, हाँ, तो आपकी कैश सेल्स कितनी है? एक्स का 25%, मतलब 0.25x। यस, ये बात समझ में आती है सर। अब टोटल सेल्स आपके पास है 15 लाख रुपए टोटल, तो मतलब इन दोनों का टोटल ऑफकोर्स, तो एक्स प्लस हो गया 0.25x, कितना आ जाएगा ये? 15 लाख रुपीज। 1.25x इज इक्वल्स टू 15 लाख रुपीज, करेक्ट। हाँ तो ये कितना होगा सर? 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ रहा है आपका कितना? 12 लाख रुपए। तो x इज इक्वल्स टू 12 लाख रुपीज। x क्या है सर? x है आपकी क्रेडिट सेल्स। क्या है ये? क्रेडिट सेल्स। चलो बहुत बढ़िया, तो हमारे पास अपने रेशियो का पहला आइटम तो आ गया 12 लाख, मुबारक। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। अब आपको यहाँ पे क्या बोला ध्यान से देखते हैं, ठीक है सर। आपको बोला हुआ था एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग, अच्छा, और आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है 4 लाख। तो मेरी बात ध्यान से सुनो सर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना था? 2 लाख। ठीक है, है ना। अब क्लोजिंग आपके पास अगर 4 लाख है तो ओपनिंग कितना होगा? आप खुद सोचो, सोचो सोचो, ओपनिंग होगा हमारा कितना सर? 4 माइनस 2, 2 लाख। यस और नो? बिल्कुल। तो एवरेज TRTR कितना आएगा? एवरेज टर्टल कितना आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग है 2 लाख, यस, क्लोजिंग 4 लाख है, हाँ, 4 लाख प्लस 2 लाख, 6, एवरेज लिया 3, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना आ गया सर? 4 टाइम्स, बस खत्म। हाँ यार ठीक है, आओ फटाफट से नेक्स्ट देखो, इसको हटाओ यहाँ से, हटाओ 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 हटाओ, जल्दी देखो। आपको अब बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख है, सर ये नया क्वेश्चन है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, ठीक है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब COGS, दिस इज COGS, हाँ जी 16 लाख, ग्रॉस लॉस 25%, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, यस और नो? बिल्कुल। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं क्यों दिया है, वर्किंग कैपिटल, अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब मुझे बताओ मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूँ कैसे? सेल्स कैसे होती है? सेल्स इज इक्वल टू आपका जितना भी एक्सपेंस है, दैट इज COGS, हाँ, जितना एक्सपेंस है, आपको लॉस हुआ है तो माइनस लॉस, माइनस ग्रॉस लॉस, खर्चे में आपने क्या किया सर? लॉस माइनस कर दिया, ठीक है, जो वो आपकी सेल्स है। COGS आपको दे रखा है 16 लाख रुपीज का, परफेक्ट। अब यहाँ पे जो लॉस है दैट इज 25% ऑन सेल्स, अच्छा, तो सेल्स मान लो कितनी है? एक्स, तो लॉस कितना होगा? 0.25x, है ना। तो एक्स ये वहां चला गया प्लस
0.25x इज इक्वल्स टू 16 लाख रुपीज़। परफेक्ट, तो 16 लाख डिवाइड बाई 1.25 है ना, ये कितना हो गया 1.25x, यस इज इक्वल टू 16 लाख। तो आपका x कितना आ गया 12,80,000। x था क्या, x था आपकी सेल्स, तो सेल्स आपको पता चल चुकी है कितनी 12,80,000। अब बचा क्या है, बचा है फिक्स्ड एसेट। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से सर, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं एसेट वाला पार्ट यूज करता हूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बात तो सही है, कितना हो गया ये 12 लाख रुपए। ये बात है, हाँ जी बिल्कुल कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल एसेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 12 लाख रुपए। हाँ कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है राइट। अब देखो ये जो आपको सी ए माइनस सी एल गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ये आपको दे रखा है 2 लाख रुपए, ओए होए, प्लस 2 लाख रुपए इज इक्वल्स टू 12 लाख रुपए, राइट। तो मेरे पास नॉन करंट एसेट आ गया ना, हाँ कितना 10 लाख रुपए, सही बात है। और नॉन करंट एसेट ही मैं यहां पे क्या मानूंगा, फिक्स्ड एसेट, तो यहां पे आपका आया 10 लाख रुपए। 1.28 times, डन डना डन डन, क्लियर है क्या एवरीबडी? अब आओ बैलेंस शीट पे। अरे मैं आपको सारे बढ़िया ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यार, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा ब्लर हो सकता है। देखो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड, और ये आपकी बैलेंस शीट है नहीं, ये तो आपका सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स वाई जी, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। हाँ इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो निकालो, निकालो भाई। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ने आना चाहिए ना बिल्कुल, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, सी ओ जी एस, नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। सी ओ जी एस कैसे निकलता है सर, आपको यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड वो तो गिवन नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाँ जी बिल्कुल, चेंजेस इन इन्वेंट्री, हाँ जी बिल्कुल, ये दो चीज़ें आती हैं। हाँ सर क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो पहला एक्सपेंस होता है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो दूसरा एक्सपेंस होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, हाँ ये तीन चीज़ें, प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो देखो देखो, आपको यहाँ पे अदर एक्सपेंस दे रखा है, अदर एक्सपेंस में आपको यहाँ पे वेजेस गिवन है। अच्छा ये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में आपको वेजेस गिवन है, हाँ, और अदर एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ही क्या होता है, वो खर्चा जो आपके फैक्ट्री में होता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगाया गया या गुड्स को खरीदने में लगा, वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो सिंपल है, आराम से हो जाएगा। COGS कैसे निकालेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना 6,50,000, यस। चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव है तो प्लस माइनस 30,000, ठीक है। वेजेस सैलरीज नहीं, वेजेस सैलरीज ऑफिस एम्प्लॉयज को देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं वो इनडायरेक्ट है। और आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपको दे रखे हैं प्लस 72,000। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS 650 माइनस 30 प्लस 148 प्लस 72 कितना आया 8,40,000। अब और क्या चाहिए सर, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए अगर आप देखोगे ये रहा ओपनिंग ये रहा क्लोजिंग, एवरेज इन्वेंट्री करेक्ट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 125 प्लस 155 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 1,40,000 हो गया। हाँ या ना सर, कितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अरे कुछ मुश्किल थोड़ी है, 840 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है सर ठीक है। कितना आता है ये आपका 6 आएगा ना, 84 डिवाइडेड बाय, हाँ 6 आएगा ना, 6 टाइम्स। अब एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपसे पूछा गया है, हाँ डेज में या मंथ्स में, कुछ नहीं लिखा तो कहीं मर्जी निकाल लो। अगर मैं इसको मंथ में निकालूंगा तो 12 महीने डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स, ये आया आपका 2 मंथ्स। क्वेश्चन खत्म, हाँ जी क्वेश्चन खत्म, खत्म रे खत्म। आ जाओ इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बस क्वेश्चन तो करने हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। क्या क्वेश्चन है, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। अब ये लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए सर, क्या मतलब है इसका, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल टू 2 मंथ्स क्रेडिट, मतलब सर आपको जो पैसा है वो 2 महीने के टाइम पीरियड पे मिलता है। आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल है सर वो 2 महीने के हैं, इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है ये 2 महीने वाला क्या होता है, डेट कलेक्शन पीरियड है ना, डेट कलेक्शन पीरियड। हाँ क्या फॉर्मूला था इसका सर, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपको 2 महीने गिवन है, तो क्या मैं यहां से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लूंगा क्या, 6 टाइम्स।
ये बात समझ में आती है, ठीक है। अरे ऑब्वियसली बात है, देखो 6 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, एक साल में आप ट्रेड रिसीवेबल से 6 बारी पैसा कलेक्ट करते हो, तो साल में 6 बारी करते हो तो 2 महीने के इंटरवल पे करते हो ना, 2 महीने का टाइम पीरियड देते हो ना। हाँ ये वो 2 महीने लिखा हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड सेल्स क्रेडिट सेल्स 720, ठीक है। वट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर? सर सिंपल सी बात है, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 है, हाँ क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 720। अब डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया, ये 1,20,000। अब सर देखो वैसे तो ये एवरेज आया है, आपसे क्या पूछा गया क्लोजिंग, अब यहां पे आपके पास ओपनिंग का डेटा नहीं है ना, तो सर यही माना जाएगा आपका क्लोजिंग। मैंने आपको समझाया ना कि सर अगर आपके पास ओपनिंग डेटा नहीं है तो जो आपका एवरेज आता है वही क्लोजिंग होता है, जो क्लोजिंग होता है वही एवरेज होता है। बात क्लियर है, ठीक है। आओ फटाफट से, अरे बहुत क्वेश्चंस है। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो नेट हो गया, COGS कितना 40 लाख रुपीज़, GP, और आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। आसान है, फॉर्मूला क्या होता है, RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ठीक है। RFO तो निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि सर RFO का फॉर्मूला हो गया COGS, कॉस्ट प्रॉफिट है यहाँ पे, हाँ सर प्रॉफिट है, तो यहाँ पे GP, COGS आपको दे रखा है 40 लाख का, और जो GP है वो 20% ऑन कॉस्ट है, अगर कुछ गिवन नहीं होता तो सेल्स का मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। ये हो गया आपका 8 लाख रुपीज, कितना हो गया 48 लाख, RFO आ गया, चलो एक चीज तो आ गई, आसान है यार RFO। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज अभी निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कितना है सर 12 लाख रुपए। ऑल राइट, टोटल एसेट को तोड़ दो अगर, अरे तोड़ दो तोड़ दो, अच्छा ठीक है तोड़ देते हैं सर आप कहते हो तो, राइट सर अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस CL, कितना 12 लाख रुपए। यस, अब मुझे बताओ CA माइनस CL वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, अरे यही तो चाहिए, हाँ जी यही चाहिए, NCA नॉन करंट एसेट जो आपका नेट फिक्स एसेट है 8 लाख इज इक्वल्स टू 12 लाख रुपए। तो क्या आपका वर्किंग कैपिटल नहीं आ गया, कौन सा फॉर्मूला याद किया आपने, किया है क्या कोई, नहीं, 12 माइनस 8 4 लाख रुपए, या आपने 4 यहां लिखा, हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया कितना 12 टाइम्स, 12 टाइम्स हो गया सर, आखिरी रेशियोस पे आ गए हम, यस सर यस। क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस ये करेंगे, ऑफ कोर्स ये करेंगे भाई, इसमें पूछने वाली बात है, इसमें आपका आएगा GP रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ऑफ कोर्स अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं GP रेशियो से, देखो हाँ जी सर फटाफट से देखो 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 सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको फटाफट से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है ना। देखो सर जैसे आपका यहाँ पे आया RFO, ठीक है, ये आपका RFO आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स जिसको हम बोलते हैं नेट सेल्स, इसमें से आपने COGS माइनस किया, क्या किया सर COGS माइनस, अच्छा ठीक है, और ये आपका क्या आ गया सर ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है सर। इसके बाद अब देखो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, सेल्स मतलब RFO मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका GP रेशियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो पढ़नी है ना भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो बिजनेस के नॉर्मल खर्चे होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का रेंट हो गया, मार्केटिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऑपरेशन, ठीक है, ये आपने माइनस किया, क्या आ गया सर ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा अब सुनो ध्यान से सुनो सर, जो COG जो आपका COGS है और आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, COGS मतलब सर जो आपके एक तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट होती है, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब उसके अलावा जो बिजनेस के ऑपरेशंस में होता है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं सर, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद बेसिकली आपने माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अच्छा प्लस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
सर नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली है, नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि सर जैसे कि मशीन पे लॉस हो गया, राइट, मशीन का गेन हो गया, या फिर सर इंटरेस्ट पे करना, अगर आपने लोन लिया है इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सर अगेन क्या है नॉन ऑपरेटिंग, ये सब चीज़ें। अच्छा ठीक है, ये आपका करने के बाद आता है सर क्या, ये अब मान लो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, ठीक है, इसमें से आपने टैक्स माइनस किया और पैट आ गया। अच्छा अब देखो ये हो गया आपके जीपी रेशियो। सेकेंड अगर मुझे निकालनी है ऑपरेटिंग रेशियो, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, सर कैसे निकलती है कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं एज कंपेयर टू योर सेल्स। अच्छा दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो क्या? सर नहीं, ये बच्चे गलती करके आएंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब गलती करके आएंगे, हाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं ऑपरेटिंग कॉस्ट, फर्क क्या दोनों में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जैसे आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब चीज़ें, ऑफिस का खर्चा वर्चा, ठीक है, सेलिंग का खर्चा वर्चा, सर इसमें COGS ऐड करोगे तो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपके बिजनेस की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है वो कहाँ से पता चलेगी? ऑपरेटिंग रेशियो से। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बताएगी कि 100 रुपये की सेल्स है और बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा इतना है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरी क्या आ गई? तीसरी आ गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये बहुत आसान है कि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी है एज कंपेयर टू योर सेल्स डिवाइडेड बाय RFO मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद आपका आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मतलब ये आपका पैट। अच्छा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100। बहुत आसान है, हाँ आ जाओ फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको बस रिलेट करने के लिए बता दिया, कनेक्ट कर सकते हो आप। जीपी रेशियो फॉर्मूला देख लिया, हाँ हायर द बेटर। सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज सारी ही हायर द बेटर होती है एक को छोड़ के। सर जो कॉस्ट की बात करती है कि कौन? सर ऑपरेटिंग रेशियो, ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशियो लोअर द बेटर, क्योंकि ये तो कॉस्ट की बात कर रही है, आपके न्यूमरेटर में क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तो कम होना चाहिए ना, ठीक है। देखो जीपी परसेंटेज अगर आपको गिवन होगा, अगर सिंपली लिखाओ कि जीपी इज 20%, तो ये सेल्स की बात कर रहा है। जितनी सेल्स है, अगर मान लो 10,000 की सेल्स है, तो 10,000 का 20% इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर लिखा होगा सिर्फ 20%, दिस इज ऑन सेल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो जैसे मैंने आपको बोला, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और COGS, क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नॉर्मली क्या आता है आपका? देखो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, सर जो आपकी सैलरी हो गई, ये सब चीज़ें एम्प्लॉई को जो आप पे करते हो, डेप्रिसिएशन, हाँ जी बिल्कुल, ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं हमने देख लिया, हाँ जी बिल्कुल देख लिया, राइट ठीक है, हायर द बेटर है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो होगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा, दोनों का टोटल हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। अच्छा ठीक है सर, नेट प्रॉफिट रेशियो हायर द बेटर ऑफ कोर्स, और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। सर देखो रेवेन्यू में से COGS माइनस किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिया सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, हाँ जी, और उसमें से आपने क्या किया, उसमें से टैक्स को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आती है? ठीक है सर, और लास्ट जो आपकी रेशियो है, अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक अपना शेयर होल्डर फंड्स, एक बाहर वालों का नॉन करेंट लाइबिलिटी, हाँ ना सर, इन दोनों के लिए आपने कितना पैसा कमाया, बिल्कुल सही। क्या फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड क्यों? क्योंकि हम शेयर होल्डर्स के लिए भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में किया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं अभी ऊपर पढ़कर आए, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम, हाँ जी, आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जीपी रेशियो निकालनी है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, हमें क्या चाहिए होती है? टोटल सेल्स, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सर डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बात समझ रहे हो? सर डिक्रीज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्यों? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी और क्लोजिंग कम होगी, है ना। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री मान लो 1,00,000 रुपए है, क्लोजिंग कितनी है सर 60,000, तो आप क्या बोलोगे कि 40,000 आपकी इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, वेजेस, ठीक है,
आपको बोला रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स 4:1। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर कैश सेल्स 5 लाख रुपए, तो आपकी क्रेडिट सेल्स अपॉन में कैश सेल्स कितनी है सर? 4:1। सिंपल सी बात है, इसको अगर देखेंगे तो ये बोल रहा है क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स। यही बात है ना? हाँ जी यही बात है, राइट। क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स। आपके पास क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी है, अच्छा क्रेडिट सेल्स तो मेरे पास है, ओके 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स, यस। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 1,25,000। ये आपकी क्या आ गई सर? ये आ गई कैश सेल्स। मुझे टोटल सेल्स चाहिए होती है। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन में सेल्स, आरएफओ, है ना। और आरएफओ का मतलब क्या है सर? आरएफओ का मतलब है नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपकी कैश सेल्स आ गई, तो हमें क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया टोटल सेल्स। अच्छा अब टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है सर? कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स है 5 लाख, ऑल राइट, और कैश सेल्स है 1,25,000, कितना हो गया? 6,25,000। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मेरी एक गलती निकाल ली होगी सर, क्या? कि ये आपको दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। क्या दे रखा है? रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड सेल्स रिटर्न नहीं होता, परचेज रिटर्न होता है। निकाल ली थी गलती, मजा आता है ना आपको, है ना। तो मैंने गलती कर दी थी बेटा, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड क्या है सर? परचेज रिटर्न। देखो आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप सामान वापस भेज रहे हो, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, तो आरएफओ आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। यस, कैसे निकाले सर ग्रॉस प्रॉफिट? ईजी है बेटा, ईजी। क्यों? देखो सेल्स माइनस सीओजीएस, ये आपका होता है जीपी, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे। हाँ अब सीओजीएस निकालने का सामान आपके पास है। सीओजीएस इज इक्वल्स टू आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। अब देखो ओपनिंग, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ जी, प्लस आपका परचेजेस, नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखो ध्यान से, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, क्लोजिंग आपके पास नहीं है, लेकिन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दैट इज डिक्रीज, ये आपको दे रखा है। तो ये आपका कितना हो गया? 10,000, ठीक है। परचेजेस है 3 लाख, लेकिन परचेज रिटर्न 10,000, मतलब नेट परचेजेस है 2,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका क्या क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड और आपका वेजेस, कितना हो गया? 60,000। ऑल राइट सर, ऑल राइट, कितना हो गया? 3,60,000 हो गया, अरे हो गया। जीपी, हाँ जी देखो सेल्स कितनी है सर हमारी? सेल्स थी टोटल 6,25,000, 6,25,000। कॉस्ट कितनी आई? 3,60,000, बहुत प्रॉफिट कमाया, 2,65,000, राइट। तो हमारा जीपी रेशियो आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर, जीपी रेशियो बिल्कुल आएगा। कैसे? सिंपल ना, 2,65,000 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है? 625 मल्टीप्लाई बाय 100, 42.4%। आ जाओ सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं हटा दूंगा, हटाओ सर हटाओ इसको, ठीक है एक सेकेंड रुको, हटाते हैं अभी, हटाते हैं। वन नोट का थकने का टाइम हो चुका है। देखो एक सेकेंड रुको, ये फिर अटक गया। एक एक मिनट रुको बेटा, आराम से करते हैं, खत्म होने वाला चैप्टर हो जा भाई। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या? हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बहुत दिनों से ना ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो आई गेस थोड़ा थक गया ये। आ जाओ, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है सर? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास पहले से है, जीपी रेशियो आपको दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। अब मुझे बताओ क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पागल बनाने के लिए दे रखे हैं? लगता तो मुझे ऐसा ही है। देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब था सर इज इक्वल टू सीओजीएस, हाँ जी, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या यही मतलब नहीं था? क्या नहीं था यही मतलब? था सर। तो मैं यहाँ से सीओजीएस निकाल सकता हूँ बिल्कुल। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 6,80,000 की, COGS निकल जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो 80,000 है, तो इसका मतलब COGS आ गया कितना? 6 लाख। लेकिन हमने COGS क्यों निकाला? क्योंकि बेटा ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए एक आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए जो आपके पास है, लेकिन आपको रेवेन्यू भी चाहिए जो आपके पास नहीं है। अब मेरे पास COGS आ चुका है, मेरे पास जीपी रेशियो है, अब मैं निकाल सकता हूँ। देखो आपको पता है कि सेल्स जो होती है इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट,
प्लस प्रॉफिट, करेक्ट। अब सीओजीएस आपके पास है 6 लाख रुपए, प्रॉफिट आपको क्या बोला है 25%, कुछ नहीं गिवन, तो 25% हमेशा सेल्स का माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ मान लो सेल्स अगर आपकी एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा 0.25x। इसको सॉल्व करेंगे, एब्सोल्युटली सॉल्व करेंगे, देखो तो x माइनस 0.75x इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपए। ऑल राइट, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.7 कितना हो गया, ये 8 लाख, 7.5 से डिवाइड किया 8 लाख। एक्स क्या था, एक्स थी आपकी सेल्स, तो यहां पे अब आपकी ऑपरेटिंग रेशियो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वन नोट मेरा तैयार नहीं है, देखो सर ऑपरेटिंग रेशियो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख 80, सेल्स आपकी 8 लाख आई है, डिवाइड किया कितना आ गया 85%। अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशियो 85% है तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15% होगी, दोनों का सम टोटल कितना होता है 100%, ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमको कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स 8 लाख 20 है, रिटर्न दे रखा है। अरे रिटर्न का चार्ट डालूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब ही नेट सेल्स होता है, मतलब रिटर्न ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। ठीक है सीओजीएस कितना आपको दे रखा है 520, तो जीपी आ जाएगा। ठीक है ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट और डिबेंचर दे रखा है, अच्छा नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो सर आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों का टोटल। तो मुझे बताओ अगर मैं आरएफओ में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ, क्योंकि मैंने आरएफओ में से मतलब सीओजीएस माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ना, हाँ या ना, बात तो सही है राइट। तो देखो आरएफओ कितना है मेरे पास 8 लाख 20,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है सर, अरे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है सर 2,09,000, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 लाख 20 माइनस 2,09,000 कितना 6 लाख 11,000, ओ माई गॉड, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। यस सर अभी तो इसमें से आपको नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटानी है, यस और नो, नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटानी है ना, बिल्कुल देखो ध्यान से, यहां पे आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आईओडी आपने माइनस किया कितना 40,500, ठीक है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना 81,000, ये आपका क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे टैक्स नहीं है, नहीं तो टैक्स भी माइनस होता लेकिन नहीं है, 6,11,000 माइनस 40,500 प्लस 81,000, 6 लाख, इंग्लिश में बोलता हूँ 6,51,500, ठीक है राइट। सर सेल्स कितनी थी हमारी, सेल्स थी हमारी 8,20,000, तो नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, 79.33% हो गया, हाँ जी सर आपने गलत निकाला है कुछ, अरे 79.33 तो आ रहा है, 45 आ रहा है, ऐसा है क्या, 651,500 डिवाइडेड बाय 820, हाँ अरे सर कैलकुलेटर गलत बता रहा है मुझे, 79.45%, ठीक है डिवाइड कर लेना। ठीक है सर नेक्स्ट अब आएगी आपके पास बैलेंस शीट, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट, और आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड जनरली गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान के चल सकते हो आप, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ये आपके पास बैलेंस शीट है और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मुझे एक बात बताओ सर इन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे ही दिया तो अच्छी बात है वैसे तो, ये सर इंटरेस्ट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, देखो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है तो मतलब यहाँ पे टैक्स की आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि दिस इज बिफोर टैक्स, बस मुझे अब क्या करना है इसमें से इंटरेस्ट ऐड करना है क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन सर क्या डेट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग ऐड करना है बिल्कुल, क्योंकि मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो जो इंटरेस्ट माइनस कर चुके वो ऐड बैक करेंगे। ठीक है सर ये रहा 15% लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो 16 लाख का 15% कितना हो गया 2,40,000, अरे रुको ना रुको ना अभी जाओ मत रुको, कितना 12,12,000, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब मुझे एक बात बताओ इसमें एक एडजस्टमेंट हमें और करनी है, किसकी सर, अरे 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बताया था मैंने आपको सर जब भी हम प्रॉफिट ले रहे हैं किसी भी रेशियो में
प्रॉफिट ले रहे हैं ना? हाँ सर प्रॉफिट ले रहे हैं। इसमें आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। यही सेम हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में किया था, कितना 12,000 रुपये, कितना हो गया 12 लाख। वेरी नाइस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो मेरा ये निकला, बस कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लो। अगर मैं टोटल एसेट का यूज करूं तो 33,20,000, यस, माइनस करंट लाइबिलिटी दैट इज 8 लाख, यस, और सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करो, माइनस 1,20,000, ठीक है। 33,20,000 माइनस 8 लाख माइनस 120, क्या ये 24 लाख रुपए आ रहा है? आपका आरओआई आ जाएगा बिल्कुल, कितना है 12,50,000 आ जाएगा ना सर। 12 लाख डिवाइडेड बाय 24 into 100, हाउ मच, 50%। सर 50%, एब्सोल्युटली यस, 50% भाई, 50%। सर क्या आपने खत्म करवा दिया क्या? नहीं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आओ फटाफट से देखो। ज्यादा चिल्ला दिया मैंने, सॉरी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको 1 लाख दे रखा है, सीओजीएस 80% ऑफ सेल है, तो सीओजीएस आप आराम से निकाल सकते हो। 80% ऑफ सेल मतलब 80,000, ठीक है, निकाल लिया हमने ऐसे ही। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, सब कुछ दे रखा है। ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है, एक एक करके निकालते हैं। सर ऑपरेटिंग रेशियो के निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। आरएफओ तो आपके पास है, आरएफओ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, दिक्कत तो उसमें भी नहीं है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब सीओजीएस 80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, दिख रहा क्या कहीं पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस? नहीं सर नहीं दिख रहे, देखो ना नहीं दिख रहे सर, कहीं से नहीं निकल रहे। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सर ये रहना, क्या हो गया, चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस 10,000, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई 90,000, कितनी हो गई सर 90,000, परफेक्ट। तो ये तो आ गया, ये तो हलवा था बेटा, काउंटिंग रेशियो हलवा ही है। 90,000 अपॉन में 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया ये 90%, कितना हो गया 90%। ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% है, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगी 10%, ठीक है। हाँ जी सर, इसके बाद जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब अगर आप देखोगे तो सर ऐसे कुछ प्रॉफिट हमको गिवन नहीं है, लेकिन हाँ हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास रेवेन्यू है 1 लाख का, करेक्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट है मेरे पास 90,000 की, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। हाँ कितना सर 10,000। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये 10,000 जो आया है, क्या इसमें से मैंने अभी तक इंटरेस्ट माइनस कर दिया होगा? सोचो आराम से, क्या बोला मैंने, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था ना। हाँ देखो आपके पास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, यस। सर मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका है, क्या उसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है? नहीं, इंटरेस्ट तो यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, समझो इस बात को। सर इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अभी तक माइनस ही नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये फिर अटक गया, एक सेकेंड रुको, देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यस सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ सर, यहाँ पे आपको 9% डिबेंचर गिवन है 5 लाख के, तो मतलब इंटरेस्ट आपका बन गया 45,000। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट अभी आपने माइनस किया है? नहीं किया, इंटरेस्ट तो माइनस करूंगा ना मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता हूं, इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। अगर इंटरेस्ट माइनस हुआ ही नहीं है तो मैं ऐड बैक क्यों करूंगा? सर यही मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अभी तो मेरा यही है ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही बात है, यही आ गया। हाँ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा सर कैसे आएगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास कितना 7 लाख रुपए। अच्छा सुनो मेरी बात, यहाँ पे सर ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा सर, आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें। हाँ सर शेयर कैपिटल आपका 7 लाख रुपीज, आपका रिजर्व्स है 3 लाख रुपए। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले ये बताया था,
कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, हमने अभी रिजर्व ऐड किया है, सरप्लस तो नहीं? नहीं सर, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं ना मैं? क्या मैं नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 10,000 का, हाँ है ना? बिल्कुल है। 45,000 का इंटरेस्ट आपको माइनस करना है। सर यहां तो लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है 35,000 आ गया, नेगेटिव का आ गया। हाँ जी, क्या है सर? ये लॉस है, टैक्स वगैरह कुछ नहीं है? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये भी तो आगे क्या होगा, शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। सर इसका मतलब, ये 35,000 माइनस होंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो अगर यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस होता, क्या होता? रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैं ये प्रॉफिट माइनस नहीं करता, लॉस माइनस नहीं करता, क्योंकि आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी गिवन है, क्योंकि यहां पे सरप्लस नहीं गिवन, सरप्लस मतलब पीएनएल का बैलेंस। तो मेरा जो पीएनएल का बैलेंस आ रहा है 35,000, वो मैंने ऐड बैक कर दिया। बात समझ में आ गई सर? ये हो गया आपका, हाँ ठीक है। अब इसमें 7 लाख प्लस 3 लाख माइनस 35 कितना आ रहा है? 9,65,000। कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास, प्रॉफिट है, तो क्या हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? सर मेरे हिसाब से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? ये देखो यहां मैं निकाल देता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था आपका पीबीआईटी? 10,000। ये कितना हो गया? 9,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 डिवाइडेड बाय 965 इंटू 100 कितना? 1.04%। कंपनी बहुत ही खराब है, बात समझ में आ गई है। इसके बाद आखिरी क्या है? करंट रेशियो निकालनी है। सर करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, एक बैलेंस शीट बना लो, या तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्विक एसेट्स है ना? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्विक एसेट्स आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है, सब कुछ तो है, अरे सब कुछ दे रखा है। देखो करंट एसेट कैसे निकलेंगे? क्विक एसेट्स में मैं क्या करूंगा? इन्वेंट्री को ऐड करूंगा, करेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करूंगा। सर क्यों? क्योंकि क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं? करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करके, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके। तो जब मुझे करंट एसेट निकालने हैं तो ऐड कर दिया, ठीक है। क्विक एसेट्स आपके कितने हैं? आपके हैं सर 6 लाख रुपीज। ऑल राइट सर, 6 लाख रुपीज। इन्वेंट्री क्लोजिंग आपको दे रखी है 50,000, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस सर कितने के हैं? रुको रुको, कितने? 10,000 के। ये आपके पास आ गया करंट एसेट, कितना? 6,60,000। आपके पास करंट लाइबिलिटी भी है तो करंट रेशियो आ जाएगा 6,60,000 आपका करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और मेरा नोट पैड खुद कह रहा है कि हो गया चैप्टर, हो गया, करंट लाइबिलिटी 4 लाख रुपीज। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1.65:1। सर इसी के साथ, जो मुझे क्वेश्चंस आपको करवाने थे वो समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। हाँ सर, रेशियोज डन। अब देखो मैंने आपको ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है और बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस गिवन है ना सर? आप जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, बिल्कुल सही, लेकिन ये क्वेश्चन तो कर ही लेना। और अगर आपको समझ में आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यही सब तो है, यही तो फॉर्मूले है, हाँ मैंने आपको हर रेशियो का क्वेश्चन करवाया है, न्यू रेशियो के क्वेश्चन भी कराए हैं, हाँ जी बिल्कुल, अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो मेरे हिसाब से रेशियो खत्म है, एक चैप्टर रह गया, वन चैप्टर, यस और नो, जो हमने सर जो हमने ये पूरा का पूरा प्लान शुरू किया था 25th से, एक चैप्टर रह गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलेगा आपको। ऑफ कोर्स अभी रिकॉर्ड करूंगा मैं, थोड़ी देर में रिकॉर्ड करेंगे उसको और आपको वो मिल जाएगा। अगर आपको रेशियो समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, डेफिनेटली उनकी हेल्प हो जाएगी, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। कॉमेंट में आपको लिखना है रेशियोज डन, है ना? हर चैप्टर में आप लिखते आ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं और आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ, क्योंकि आपके पास एक प्लान था तो टाइम से चीज़ें हो रही हैं। ये सुनो, तो मिलते हैं आपसे कैश फ्लो की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।